ये देखिए जी, आज की सुंदर सुबह के साथ और ये सब्जी की व्यवस्था हो रही है, कद्दू के लुंगले। अब और सब्जी की व्यवस्था देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये छोटा कद्दू है। और ये देखिए जी, यहाँ पे रास्ते की सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि आजकल झाड़ी और झीड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और दोस्तों रास्ता नहीं बचा है कहीं भी जाने का, इसलिए सबसे पहले सफाई होगी तो तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल सांप बिच्छू इन सब का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इस वजह से पहले सफाई की जा रही है, खेत में जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और देखिए जी, छोटी सी खीरा है। और ये देखिए दोस्तों, ये कद्दू हो गया, आज इसी का साग बनाया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम अजीत नौटियाला, आपका स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव ग्राम सबजागढ़ गांव में। तो दोस्तों आज के नए ब्लॉग की नई शुरुआत करता हूँ अपने घर से। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने खीरा तोड़ दिया। और ये देखिए दोस्तों, ये कद्दू है और हमारे पहाड़ों में ये कद्दू होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और दोस्तों बहुत मेहनत करी है, मेहनत का फल है ये। और बंदरों से बचाओ, बंदर आजकल गांव में नहीं आए हैं, इस वजह से ये दिख रहे हैं। अगर बंदर आते तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं दिखते। आज का मौसम देख सकते हो दोस्तों आप, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और पहाड़ियां तो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और रात को तो दोस्तों बहुत भयंकर बारिश हुई है। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों आज का, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आज ये हमारा गाँव है, ग्राम सभा चकड़ गाँव। आजकल तो खेतों में दोस्तों हरियाली हरियाली है, देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों मैं रोज की तरह अपनी छानी आ गया हूँ और अब अपनी गायों को यहाँ से खोल दिया मैंने, इनको जंगल में चराने ले जाऊंगा। ये देखिए जी, ये हमारी छानी है और ये मैंने अपनी गौ माताओं को खोल दिया तीनों को, चल। ये देखिए जी, हमारे पहाड़ में ऐसी गेट लगाया जाता है जिससे कि कोई भी दूसरा जानवर हमारी छानी में न जाए, इस वजह से लकड़ी के डंडे लगाते हैं। ये मेरी तीनों गाय जंगल जा रही है, उनको जंगल ले जाऊंगा दोस्तों और वहां चरा के 1:30 बजे घर लाऊंगा। दोस्तों मैंने गायों को जंगल से छानी में ला दिया है और छानी सीख के बाद मैं घर भी आ गया हूँ। और यार आज तो जंगल में बहुत बुरे हाल हुए यार बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत भयंकर थी और सारे भीग गए थे यार, क्या करें। और छाता भी था लेकिन हवा और बारिश बहुत ज़्यादा, और जंगल में जो झाड़ी होती है दोस्तों उससे छाते की भी टूटने की समस्या होती है, इस वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पहाड़ों में, जंगलों में। और अब मैं घर पहुंच गया हूं और अभी का मौसम आप देख सकते हैं पीछे, अभी तो लगभग बारिश रुकी हुई है लेकिन बादल बिल्कुल लगे हुए हैं, आसमान पूरा पैक हो रखा है। देखिए जी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और ये देखिए, स्वेटर से जैकेट पहन ली दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में जैसी बारिश शुरू हो जाती तो ठंडा बहुत हो जाता है। और अभी दोस्तों मुझे थोड़ा सड़क पर जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो अभी सड़क पर जाता हूँ कुछ सामान लाना है वहाँ से। तो जी चलते हैं रोड पर। और ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव का व्यू, आज बहुत भयंकर बादल लगे हुए हैं, बारिश भी लगातार हो रही है यार और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। इस सामने की पहाड़ी आप देख सकते हो दोस्तों, कितनी सुंदर लग रही है आप देख सकते हैं। और बादल भी बिल्कुल कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। सामने का भी देख सकते हो दोस्तों आप, ये सामने जो है ये सर्प क्यारी ग्राम सभा है और ये ऊपर जहाँ कोहरा लगा हुआ है इसको बोलते हैं दोस्तों धमिया, जो कि जोगत मल्ला में आता है। तो दोस्तों अभी सड़क पे जा रहा हूँ और मेरे साथ है टाइगर और शेरू। टाइगर तो आगे चले गया लेकिन शेरू ये पीछे है, शेरू आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, कितना भयंकर झाड़ी हो रखी है इस एरिया में, ये रास्ते में देखिए आप दोस्तों, रास्ता भी नहीं दिख रहा है, ये सारे भांग के बीज हो रखे हैं यहाँ, ये देखिए आप। ओहो, नहीं जाया जाएगा यार, पानी पानी होगा दोस्तों, बारिश में तो चला भी नहीं जाता इन रास्तों में, क्योंकि जब झाड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनका पानी अपने पे लग जाता है। तो जी मैं रोड पे पहुंच गया हूँ और देखता हूँ कि गाड़ी आई कि नहीं आई। और ये सामने देखिए दोस्तों आप, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये हमारा ग्राम सभा का बोर्ड है। तो जी जिस गाड़ी पे सामान आना था वो गाड़ी अभी भेंगवाल गाँव में दोस्तों, और से अभी टाइम लगना है, तो यार यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा, फिर मैं अभी तब तक अपने घर से ले जाता हूँ और फिर बाद में आ जाऊँगा उस सामान के लिए, जो भी सामान जिन्हें रिसोर्ट से दिया था। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको आज का व्यू। ये देखिए दोस्तों, बहुत भयंकर बारिश ने
सारी फसल को नुकसान कर दिया है। देखिए फसल कैसे मुरझा गई है, कैसे नीचे गिर गई है सारी फसल, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों झंगोरा, कोदा, मंडुआ इत्यादि सब बोया हुआ है, और नीचे भी देख सकते हैं आप तोर की दाल है दोस्तों। और देखिए आप, ये भी सब बर्बाद हो गई फसल सारी जगह यार, भारी बारिश ने बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी है, नुकसान कर दिया है। पहले तो यार बारिश नहीं हुई थी कुछ दिन से, और जब बारिश हुई तो बहुत भयंकर हुई दोस्तों। आप नीचे वाले खेत में भी देख सकते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही हो रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ इधर पूरा सीधा नीचे बिछ रखी दोस्तों फसल सारी। हमारे पहाड़ का सीन ऐसी है यार, कभी जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, और कभी होती नहीं है। वैसे तो बारिश तो पहाड़ों में होती रहती है लगभग, और ठंडा रहता है। और आज तो दोस्तों जब बारिश हुई है, दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो हमें जैकेट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना जैकेट तो पहनता नहीं मैं आजकल, क्योंकि आजकल तो गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है। और यार यही हमारे पहाड़ का सीन है, और आजकल पहाड़ों में हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं। और इस बारिश से एक चीज़ तो फसलों को तो बहुत बढ़िया हो गया है, जिससे कि सारी फसल को थोड़ा जान मिल गई है पानी की वजह से, क्योंकि सूखे पड़ रखे थे खेत, और फसलों को कोई पानी नहीं मिल रहा था। और कद्दू ककड़ी हो गए, पहाड़ी ककड़ी, इनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब जब पानी मिलता रहेगा तो वो भी अधिक से अधिक मात्रा में होंगे। और जो सामने स्कूल दिख रहा है दोस्तों, ये हमारी ग्राम सभा का बेसिक स्कूल है, और यही बहुत पुराना स्कूल है दोस्तों हमारी ग्राम सभा का। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है हमारी ग्राम सभा का। और यहाँ पे दोस्तों ये जो मंदिर दिख रहा है ये सामने, ये भरणा देवी का मंदिर भी है, और नाग और केदार सिंह भगवान का, और बरनाथ भगवान का मंदिर तो ऊपर है दोस्तों, यहाँ से नहीं दिखेगा रोड से। और दोस्तों रोड से जो सामने जो दिख रहा है वो मेरा घर है, तो चलिए जी घर के लिए चलते हैं। आगे आगे शेरू जाएगा, और पीछे पीछे हम भी जाएंगे। ये शेरू दोस्तों आगे आगे जाता है, और पूरा रास्ता देख के आता है कि कोई खतरा तो नहीं है, पूरा चेक करता है, पीछे भी दिखता है। ये देखिए जी, तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूँ, और अभी यार सब्जी के लिए बोल रहे हैं कि कोई सब्जी देख ले, कहीं कद्दू वगैरह लगा है तो देख ले, और चेक करता हूँ दोस्तों कहीं कद्दू लगा होगा तो उसे तोड़ता हूँ। अभी देखता हूँ मैं, ये छत की तरफ भी लगे थे, और क्या पता एक दिखा था मुझे। ये देखिए दोस्तों आजकल बारिश की वजह से ये देखिए ये काई जम गई है छत में, और फिसलने की बहुत ज़्यादा डर हो रखी है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है। और ये देखिए जी मैं छत के ऊपर आया था, और यहाँ पे एक कद्दू मिल गया है, पहाड़ी कद्दू जो होता है बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए अब आज इसी को तोड़ूंगा, और आज इसी की सब्जी लगेगी बढ़िया से फर्स्ट क्लास करके, और आधा हम खाएंगे आधा किसी और को भी दे देंगे। ये देखिए दोस्तों मिलजुट जुट के ही खाने में मजा आता है, क्योंकि खुद ही खाने से कुछ नहीं होता है, और दो लोगों ने साथ में खा लिया तो बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं। और आजकल भारी बारिश की वजह से बहुत सारे कद्दू लगने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी खीरा लगने शुरू हो गई है। और चाची और निधि बोल रही है कि हमारे लौंकड़े पे नजर मत लगा, तो मैं नजर नहीं लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और तोड़ के ले जाऊंगा उसको, ठीक है चाची। दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मैं शाम को छानी में नहीं गया, और क्योंकि छानी में भाई लोग चले गए थे, क्योंकि मैं अभी 2 बजे गाय को चरा के आया जंगल से। और दोस्तों बारिश ने बहुत भयंकर सीन कर दिया यार, जिस वजह से मैं बहुत भीग गया था। और मैं आप दिखाऊंगा आपको, टाइगर और शेरू भी पड़े हुए हैं, ये देखिए जी टाइगर और शेरू भी बिल्कुल आराम कर रहे हैं बारिश में, ये देखिए। आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना न भूलें। जय देवभूमि उत्तराखंड।